साथ जो साथी बैठे हैं आज वो अलग अलग यूनियंस, अलग अलग वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, वो अपने ऑर्गेनाइज्ड वॉइस में बोल रहे हैं आज, तो आप भी सुनिएगा इनकी कहानी ऐसे कि आप समझें कि एक ऑर्गेनाइज्ड कहानी आपको सुनाई दे रहा है, यानी कि उनकी कहानी में बहुत सारे और कहानियाँ जुड़े हैं, यही है इस कहानी का ताकत। तो आज तक तो सिर्फ हमने सबकी सुनी है, आज हमें बोलने को मिली मौका मिला कि हम बोलें। तो शहर में इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसी लिए किसी की मजदूरी देनी है, काम देनी है, 8 घंटे काम करना है तो कहते हैं कि लेडीज कम काम करती है। मैं ये सोच के आया था कि दिल्ली शहर में राजधानी है, क्योंकि कलकत्ता में जो है हमारा शहर से, हमारे घर से 295 किलोमीटर दूरी में, कोई बिहार से आता है, कोई बंगाल से, कोई कोलकाता से, कोई उड़ीसा से, इसलिए ये आता है कि दिल्ली शहर में कानून व्यवस्था अच्छा होगा। मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, मेरे 32 साल में मुझे दिल्ली का कानून व्यवस्था अच्छा नहीं लगा। रिक्शा चलाने को दे तो भाई, जब उनके लिए कोई स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है। आपका माता जी जब बीमार होता है, उसी रिक्शा वाला को बुला के आप अपने घर से छोटा छोटा जो भी है डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाते हो, आपके घर में घर के सामने से उठाते हैं, क्लिनिक तक पहुंचाते हैं, फिर क्लिनिक से घर घर तक पहुंचाते हैं, जरूरत पड़े तो ककार के ऊपर तक पहुंचाते हैं। भैया उठा दूंगा, मेरे घर से मेरी माँ को पहुंचा दे, इतना सुविधा तो जाता है। उनकी गाड़ी में समय क्यों लगाया जाता है, उनका स्टैंड क्यों नहीं है, और गाड़ी के लिए स्टैंड होता है, कार के लिए पार्किंग होता है, और हमारे रिक्शा के लिए स्टैंड क्यों नहीं है। हमारे लिए कोई छुट्टी तय नहीं है, क्यों, क्या हम इंसान नहीं है? अगर मान लीजिए आज हम घरों में काम करना बंद कर दें तो क्या बुरा मत मानिएगा, जो आज हमारे सामने जो समाज के लोग बैठे हैं, जो महिलाएं खास तौर पे बैठी हैं, क्या अगर मैं ना काम करूं क्या वो यहाँ पर आके बैठ सकती हैं? आज इस हॉल में जो महिलाएं बैठी हैं उनसे मेरा सवाल है, आज इन महिलाओं को निकालने के लिए, इस समाज को निकालने के लिए हमने अपना भविष्य अपने दांव पर लगाया है, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया है, लेकिन हमारे बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। और इनको हमारे को नहीं घर है, नहीं मकान है, नहीं कुछ आगे पीछे है, तो क्या मैं कब तक रोड करूँ? ये सरकार मेरा रह कर रहा है आजकल। सरकार तो पब्लिक को देखना चाहिए कि इतनी ये पब्लिक को ऊपर इतने दुख हो रहा है, न कमाने का, न खाने का, न ठिकाना है, न कुछ है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कहता है कि मुसलमान के बच्चे पढ़ाई करके क्या करेंगे, क्यों हम मुसलमान है तो हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, हम तेजी से अनपढ़ गवार बना रखेंगे क्या? मैं चिड़ियाघर पे दुकान लगाती हूँ जी, अभी कई दिनों से मेरी दुकान बंद पड़ी है, क्योंकि मेरे को कोई लगाने नहीं देते हैं। वहाँ पुलिस वाले आते हैं वो धमका के भगा देते हैं, कमेटी वाले आते हैं वो सामान उठा के लेके चले जाते हैं, और जो भी सामान बना हुआ रहता है उसे भी सड़क पे फेंक देते हैं। जो सामान लेके जाते हैं छुड़ाने जाओ तो हफ्ता 15 दिन की टाइम देते हैं, जब तक उसमें पलटी लग जाती है। ऐसा करते हैं, कई बार हो चुका है ऐसा हमारे साथ। तो ये फायदा था या फायदा नहीं है, क्योंकि सब काला चुगज का रेट कम हो गया, सरकार ने कम कर दी, जो 2 रुपये जा रहा था अभी 1 रुपये जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा फायदा कम हो गया। खाने के 1 रोटी खा लेते, अब आधे रोटी खा रहा हूँ। ऐसा कानून एक ऐसा सरकार बनाए ताकि मजदूर को भी जीने का हक मिले। अब बताइए, मुझे जो मजदूर मिलता है अपने ही भरण पोषण में हम खत्म कर लेते हैं, कोई हमारी बीमारी लग जाए तो हम कहाँ से लाते। आप जैसे लोगों से मांगते हैं तो 3%, 4%, 5% ब्याज में मिलता, मतलब पूरी जीवन हमारी ब्याज में ही, बोरी ढोते ढोते और ब्याज में ही ये समाप्त। सरकार से यही उम्मीद है मेरे लिए एक पहचान बनाई जाए, हमारे लिए, मेरी अकेली के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली में जितने भी हम रेडी पटरी वाले हैं सबके लिए एक पहचान दिया जाए, हमारे लिए एक आई कार्ड इशू किया जाए, जिससे कि हम अपने आप कहीं पर से कहीं से भी कैसे भी करके हम अपना रोजी रोटी कमा सके।
कम से कम आप एक एक चिट्ठी यहाँ से कसम खा के जाए उनको जरूर लिखें कि हम भी इस देश के नागरिक है, हम 7 से 8 लाख महिलाएं हैं जो घरों में काम कर रही हैं, हमें भी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए।